आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स की जो रोटी कपड़ा और मकान तो दिलाता ही है, साथ में दिलाता है नौकरी, लाइफ पार्टनर और एक सिक्योर फ्यूचर की आशा, जो इंडिया की सबसे बड़ा नौकरी सर्च पोर्टेबल है, जो मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। एंड द गुड पार्ट इज राइट नाउ ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 32% डाउन है, 32% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। सो आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल एस्पेक्ट तक। सो ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, बट मेरे आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टॉक क्यूरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 44,447 करोड़ के आसपास है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फोइज इंडिया लिमिटेड, इंडियन इंटरनेट कंपनी है जो संजीव वीका चांदनी ने 1995 में इस्टेब्लिश की थी। ये कंपनी ऑनलाइन रिक्वायरमेंट्स बिजनेस में अपनी फ्लैगशिप ब्रांड naukri.com के अंदर ऑपरेट करती है, जिसके पास रिक्वायरमेंट मार्केट का मोर देन 80% शेयर है। इस कंपनी के और भी बिजनेसेस हैं जैसे कि रियल ई एस्टेट एंड मेट्रोमोनी डिविजन्स। ये कुछ और ऑनलाइन कंपनीज में भी स्टैक होल्ड करती है, जिसमें शामिल है दो बड़ी कंपनीज, फूड डिलीवरी कंपनी एंड जोमैटो, जिसमें इसका 15.23% स्टैक है, एंड इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार, जिसमें इसका 13.3% स्टैक है। इसके फोर मेन वर्टिकल्स हैं रिक्वायरमेंट्स, रियल ई एस्टेट, मेट्रोमैनियल एंड एजुकेशन। करंटली कंपनी ने काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे कि जोमैटो, एप्लेक्ट लर्निंग सिस्टम डेट इज मेरिट नेशन, कैनवेरा, हैप्पली एंड मैरिड। कंपनी के फाइनेंशियल्स रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पीई रेशियो 33.01 है, प्राइस टू बुक रेशियो 8.39 है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.0 है यानी 0 डेप्ट है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.06% है। 5 ईयर्स रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 300.93% का रिटर्न दिया। कंपनी का 52 वीक हाई की बात करें तो 7,465 है, एंड कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 3,395 है। अब बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो में कितने परसेंट का रिटर्न दिया, क्या एवरेज बाय प्राइस है। सो चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो में। अभी कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 34,000 के आसपास है। टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स मेरे पास 4 है। एवरेज बाय प्राइस 2,009 है और टोटल प्रॉफिट 13,608 है। सो अब देखते हैं कितने क्वांटिटी, कितने प्राइस पर हमने बाय की है। मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 4 है। मैंने फर्स्ट क्वांटिटी 27 जून 2019 को 2215 रुपीज़ पर बाई की थी, सेकंड 23 अगस्त 2019 को 1928 पर बाई की, थर्ड 11 सितंबर को 2014 पर बाई की। सो अभी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 32% डाउन है। इस प्राइस रेंज पर शायद ये कंपनी ना मिले। दैट ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ द वीडियो। I hope you found it helpful. If yes, don't forget to like and subscribe. हम आपको बता दें कोई भी स्टॉक्स रिकमेंडेड नहीं करते हैं। All of this just for educational purpose only. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने Zerodha का अकाउंट ओपन नहीं किया तो Zerodha का अकाउंट ओपनिंग लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं।